हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2016 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे और इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया है अक्षय ने, जो कि पुणे से है। तो अब हम 2016 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी डेट्रीमेंटल फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इजंट रिडक्शन ऑफ टैक्सेस यूजफुल फॉर स्प्रूसिंग अप टैक्सेस। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू ऑनेस्ट टैक्स पेयर सफर ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स इवेडर्स। हाउ डज ब्लैक इनकम इम्पैक्ट ऑन नेशंस इकोनॉमी। लार्ज स्केल इन्वेजन ऑफ टैक्सेस टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस। आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज। अब आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन में टैक्सेस आया, थर्ड क्वेश्चन में टैक्स आया, सेकेंड क्वेश्चन में भी टैक्स आया, इस पैसेज में टैक्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहली चीज हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज है, फर्स्ट क्वेश्चन में ब्लैक मनी आया, थर्ड क्वेश्चन में टैक्स इवेडर्स आया। तो टैक्स इवेडर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, अर्निंग पे या इनकम पे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो वो ब्लैक इनकम हुआ, यानी वो इलीगली अर्न हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी ब्लैक मनी है, फोर्थ क्वेश्चन में ब्लैक इनकम। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस पैसेज में टैक्स के बारे में बात की जा रही है और उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो टैक्स नहीं पे करते हैं, क्योंकि वो इलीगली अर्न करते हैं, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी होता है। पैसेज देख रहे हैं, बहुत छोटा सा पैसेज है तो मैं इसको पढ़ सकती हूँ। इट इज एन ऑब्वियस ट्रेट ऑफ ब्लैक इनकम्स। आप देख लीजिए, पैसेज की शुरुआत ही ब्लैक इनकम से हो रही है। It is an obvious trait of black income that cannot be declared to the fiscal authority for fear of large penalties. तो black income cannot be declared, undeclared होता है। क्यों? क्योंकि large penalties देने पड़ते हैं। As under declarations multiply, the tax base shrinks and price controls begin to blunt the edge of fiscal policy. Under declarations multiply, जो income undeclared है वो धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है, multiply करता है, जो tax base है यानी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो श्रिंक करता है और प्राइस कंट्रोल को वो इफेक्ट करता है। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल गेट्स इनटू द वे ऑफ द अदर एंड मेक्स इट इनएफेक्टिव। टैक्स इवेजन इज लार्ज नॉट नेसेसरी बिकॉज द रेट ऑफ टैक्स इज हाई एज बिजनेसमैन ऑफन प्रोक्लेम, बट बिकॉज द इनकम ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड एंड द एक्टिविटी फ्रॉम विच इनकम इज रिसीव्ड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड। तो टैक्स इवेजन क्यों होता है ये इस लाइन में बताया गया है। वो इसलिए नहीं होता है कि टैक्स हाई है, वो इसलिए होता है कि एक्टिविटी फ्रॉम विच इनकम इज रिसीव्ड, कहने का मतलब इलीगली इनकम अर्न होता है और उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टैक्स इवेड होता है। इट फॉलोज दैट इवन इफ टैक्सेस वर हाफ सो लॉन्ग एज द इनकम इज ब्लैक टैक्सेस विल बी इवेडेड। जब तक इनकम ब्लैक है, जब तक इलीगली अर्न कर रहे हैं, टैक्स को इवेड किया जाएगा। हाउएवर टू द एक्सटेंट टैक्सेशन फेल्स टू कैच अनडिक्लेयर्ड इनकम्स एमिनेटिंग फ्रॉम कंट्रोल्स इट बिकम्स अ बैड इंस्ट्रूमेंट फॉर बैलेंसिंग एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इस लाइन में ये बता रहा है टैक्स इवेजन का इफेक्ट क्या होता है, कि वो इफेक्ट करता है डिमांड एंड सप्लाई को और इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट करता है। In an enthusiastic attempt to make taxation to the balancing trick, tax rates on honest taxpayers become penal. यानी जो टैक्स पे करता है उस पे अब ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है। This leads to second round of tax evasion and this time because tax rates are intolerably high. Basically, इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि टैक्स क्यों इवेट किया जाता है और टैक्स इवेट करने का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट क्या है? प्राइस इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करता है, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उन पे और ज्यादा टैक्सेस इम्पोज होते हैं। More and more taxpayers at the margin avoid tax payment, become dishonest in the course of time, get used to dishonesty. While black income does so much damage to public policy, इसका इफेक्ट बता रहा है। It also dries up the sources of real growth in the private sector of the economy. The capital market, the main vehicle of growth, consequently dries up. And capital formation, both in the public and private sector, suffers a serious decline. A question देखिए पहला। How is the circulation of black money detrimental for private entrepreneurs? अक्षय का आंसर पढ़ते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इज डेट्रीमेंटल फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक। अब यहाँ लाइक क्यों लिखा है अक्षय? ये स्पोकन इंग्लिश की भाषा है। आपका क्वेश्चन है, हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी डेट्रीमेंटल फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कैसे ब्लैक मनी डेट्रीमेंटल है, कैसे ब्लैक मनी हार्मफुल है, तो आपको कैसे का जवाब देना है। तो यहाँ आपने अब लाइक क्यों लिखा है? इफ ड्राइज अप कैपिटल, इफ ड्राइज अप कैपिटल मार्केट, तो इफ ड्राइज अप
इफ यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए शायद, इट ड्राइव्स अप कैपिटल मार्केट, अगर मैं इसको इट मानती हूँ तब तो ये सही है, लाइक हटा हो गए, इट ड्राइव्स अप कैपिटल मार्केट एंड इट्स फॉर्मेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स एंड ऑल्सो रिड्यूसेज रियल ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर, इट्स फॉर्मेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स हटा दो, ऐसे लिखो इट ड्राइव्स अप कैपिटल मार्केट एंड रिड्यूसेज रियल ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर, दिस ब्लैक इनकम गिव राइज टू टैक्स इवेजन एंड दिस बर्डन विल फॉल ऑन टैक्स पेयर्स। देखिए क्वेश्चन है सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पे, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि ब्लैक मनी कैसे इफेक्ट करते हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, तो आपको सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पे लिखना है, तो यहाँ पर आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बारे में क्यों लिख रहे हो, तो ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर देना है, तो सिर्फ आपका आंसर यहीं तक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऐसे लिखा है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इज डेट्रीमेंटल फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बाय ड्राइंग अप, कैसे डेट्रीमेंटल है, बाय ड्राइंग अप द सोर्सेज ऑफ रियल ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर, कंसिक्वेंटली द कैपिटल मार्केट डिक्लाइन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस यूजफुल फॉर स्प्रूसिंग अप टैक्सेस, इसका मतलब कि टैक्सेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, मगर ये यूजफुल क्यों नहीं है। आपने आंसर लिखा है रिडक्शन ऑफ टैक्सेस इज नॉट यूजफुल फॉर स्प्रूसिंग अप टैक्सेस बिकॉज, बहुत अच्छे से आंसर शुरू किया है, ऐसे ही शुरू करना चाहिए और यहाँ कॉमा नहीं दोगे, बिकॉज इनकम ऑन विच टैक्स टू बी पेड, टैक्स इज टू बी पेड होना चाहिए एंड एक्टिविटी फ्रॉम इनकम इज रिसीव्ड इफ इज नॉट डिक्लेयर्ड, ये इफ नहीं है ये इट है ना, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। सही से आपने क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश तो की है मगर सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है। अक्षय आप ये बोलना चाह रहे हो कि रिडक्शन ऑफ टैक्सेस यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इनकम जिस तरह से हम अर्न करते हैं वो इलीगल है और इसलिए अनडिक्लेयर्ड है, ये बोलना है, तो आपने ढंग से फ्रेम नहीं किया इसको। द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इज नॉट यूजफुल बिकॉज टैक्सेस आर इवेडेड ऑन ब्लैक इनकम दैट इज अनडिक्लेयर्ड, people will continue to earn illegally and evade the taxes on illegal income even if the taxes is reduced. Next question, how do honest taxpayers suffer on account of tax evaders? जो tax evade करते हैं उसकी वजह से honest taxpayer कैसे suffer कर रहे हैं? तो आपने answer लिखा है, honest taxpayers suffer on account of tax evaders like, spoken English की भाषा है, like to make taxation do the balancing trick. If hampers honest taxpayers, ये जो आप लिखे लाइक टू मेक टैक्सेशन डू बैलेंसिंग ट्रिक इफ हैम्पर्स, ये आपका अननेसेसरी लाइन है जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर ये वाला लाइन, व्हेन ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन राइजेस मोर बर्डन टू पे टैक्स फॉल्स ऑन ऑनेस्ट टैक्स पे, आपका इट इफ लगता है और स्पोकन इंग्लिश की भाषा यूज करते हो आप लाइक इसका आंसर मैंने लिखा है, ऑनेस्ट टैक्स पे सफर ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स इवेजन व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू बैलेंस द टैक्स इवेडिंग सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस, कैसे सफर करते हैं जब गवर्नमेंट टैक्स इवेडिंग सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस, ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स आर बाउंड टू पे द इंक्रीज टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ब्लैक इनकम इंपैक्ट्स अ नेशंस इकोनॉमी, ब्लैक इनकम इंपैक्ट्स अ नेशंस इकोनॉमी लाइक, नहीं होना चाहिए, टैक्स बेस श्रिंक्स प्राइस कंट्रोल बिगिन टू ब्लंट द एज ऑफ फिस्कल पॉलिसी डैमेजेस पब्लिक पॉलिसी लाइक कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल फॉर्मेशन प्राइस। अक्षय आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पा रहे हो ढंग से, एज अंडर डिक्लेरेशन मल्टीप्लाई यानी ब्लैक इनकम, टैक्स बेस श्रिंक्स प्राइस कंट्रोल बिगिन टू ब्लंट द एज ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कुछ इसके आंसर यहाँ पर है, फिर कुछ इसके आंसर यहाँ पर है, अनडिक्लेयर्ड इनकम्स एमिनेटिंग फ्रॉम कंट्रोल इट बिकम्स अ बैड इंस्ट्रूमेंट फॉर बैलेंसिंग एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये इफेक्ट और है, दो इफेक्ट्स बताया है आपको, कैपिटल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में लिखना ही नहीं है क्योंकि ये जो कैपिटल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन है प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, मगर यहाँ पर आपको सिर्फ नेशन के इकोनॉमी के बारे में बात करनी है, तो इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, ब्लैक इनकम नेगेटिवली इंपैक्ट्स द नेशंस इकोनॉमी व्हेन टैक्सेस आर नॉट पेड ऑन ब्लैक इनकम बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पेइंग पेनल्टीज, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू इज रिड्यूस्ड, दिस रिजल्ट्स इन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिड्यूस हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करता है और इन्फ्लेशन को। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का इवेजन ऑफ टैक्सेस टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट, यानी या तो आपको फॉर में बोलना है या तो अगेंस्ट में बोलना है, द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, अक्षय ने इसका लिखा है आंसर, एक्सप्लेनिंग इन द फेवर ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस गिव राइज टू टैक्स इवेजन एंड दिस टैक्स इवेजन रिजल्ट्स बर्डन ऑन ऑनेस्ट टैक्स पेयर व्हिच आल्सो स्टार्ट्स अवॉइडिंग टैक्स पेमेंट एंड बिकम्स डिसऑनेस्ट, दिस गिव राइज टू ब्लैक इनकम एंड हॉल्ट्स नेशंस ग्रोथ। अक्षय आपको आंसर देना है कि क्या आप अग्री करते हो
कि टैक्स ज्यादा है इसलिए टैक्स अवॉइड किया जा रहा है पे करना, आपने क्वेश्चन नहीं समझा है। आप यहाँ पर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे बात हो रही है डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बारे में। डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर्स टैक्स अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टैक्स ज्यादा है, जबकि ऑथर कह रहा है कि टैक्स ज्यादा की वजह से टैक्स पे नहीं करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग इलीगली अर्न करते हैं इसीलिए टैक्स अवॉइड करते हैं। तो एक्चुअली आपने क्वेश्चन नहीं समझा है, यहाँ पे आपको ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बारे में नहीं बताना है। दूसरी चीज है, आपने आंसर भी ढंग से शुरू नहीं किया है, इसमें आपको स्टेटमेंट के फॉर या अगेंस्ट में बोलना है, यानी आपका ओपिनियन मांग रहा है इस क्वेश्चन में, तो आपको इन माई ओपिनियन से शुरुआत करनी चाहिए थी। और दूसरी चीज है, आप कभी भी ऑथर के ओपिनियन के अगेंस्ट मत जाओ। ऑथर कहता है कि जो टैक्स इवेड हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि टैक्स हाई है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इलीगली अर्न हो रहा है। मैंने इसका आंसर ऐसे लिखा है, इन माय ओपिनियन लार्ज स्केल इवेजन ऑफ टैक्सेस डजंट टेक प्लेस ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस। टैक्स पेयर्स इवेड टैक्स ऑन देयर ब्लैक इनकम व्हिच इज इलीगली अर्न एंड अनडिक्लेयर्ड, सो इवन इफ टैक्सेस आर हाफ द टैक्स पेयर विल कंटिन्यू इवेडिंग टैक्सेस एज लॉन्ग एज अर्निंग इज डन इलीगली। तो अक्षर मैंने एक चीज देखी है कि आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पा रहे हो ढंग से, स्पोकन इंग्लिश की भाषा जैसे लाइक यूज करते हो, इट आपका इफ लगता है या पता नहीं आप इफ ही लिखना चाहते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वैसे ही आंसर स्टार्ट करो। अक्षर आपके आंसर्स की अच्छी बात है कि आप कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं करते हो, पंचुएशन मार्क की मिस्टेक नहीं करते हो, राइटिंग आपकी अच्छी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो, आंसर जो आंसर लिखना चाहिए उससे एक्स्ट्रा लिख रहे हो और सेंटेंस ढंग से फ्रेम नहीं हो रहा है। और कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे दो तो उसमें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। थैंक यू।